हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी 11 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रियल मी 11 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं रियल मी फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर, और ब्लूटूथ प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर पाएंगे अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं ब्लूटूथ प्रॉब्लम को रियल मी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें एंड आप कैसे ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है, ऑप्शंस आ जाता है आपके फ़ोन में, देख सकते हैं आप सेटिंग्स का। क्लिक करते ही सेटिंग से ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जो भी ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। सिंपली इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है, उस पे जाकर सिंपली आप क्लिक करते हैं इस ऑप्शंस पे, और इस पे क्लिक करके जब आप ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप यहाँ से रीसेट कर देंगे, तो रीसेट करते ही ब्लूटूथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक।